दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी। और आज का जो हमारा क्लास है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज का जो हमारा क्लास है वो एमएस पेंट का है। डीसीए के कोर्स के अंदर का एक पार्ट है और एमएस पेंट का एक क्लास मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, आप उस लिंक को फॉलो करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो एमएस पेंट आपको समझ में नहीं आएगा। एमएस पेंट में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सारे टूल्स का यूज़ करके कुछ भी अच्छा सा आप डिज़ाइन या फिर एडिटिंग का काम कर सकते हैं। एमएस पेंट है क्या वो आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दूँ कि एमएस पेंट क्या है। एमएस पेंट किसी भी जेपीजी या पीएनजी फाइल को एडिट करने का काम आता है। जी हाँ, यानी कि अगर आपको किसी भी इमेज में अगर किसी भी तरीके का कोई भी एडिटिंग करना हो तो आपको एमएस पेंट का यूज़ करना होगा। और जेपीजी फाइल क्या है, यहाँ भी एक नया वर्ड आपके सामने आया। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जेपीजी फाइल क्या है उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर्स के नाम से आप हमारे चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो दिखेगा डीसीए का पूरा फुल कोर्स का। आप उसके अंदर वीडियोस को देख सकते हैं लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसे सेट किया हुआ है। तो फिलहाल मैं अभी और डिटेल में ना जाकर जेपीजी फाइल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा चलिए बता देता हूँ। जेपीजी फाइल यानी कि कोई भी इमेज। जी हाँ, अगर आप अपने मोबाइल से कोई फोटो खींचते हैं तो वो एक जेपीजी फाइल क्रिएट करता है। अगर आप एमएस अपने आगे मान के चलिए किसी भी आप कंप्यूटर में एमएस पेंट में काम कर रहे हैं और उस ड्राइंग को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको जेपीजी या पीएनजी फाइल ही मिलेगा। तो फिलहाल जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आज हम आगे बढ़ते हैं। एमएस पेंट का सारा चीज़, सारे टूल्स का यूज़ सीखेंगे हम। तो उसके लिए एमएस पेंट हमें ओपन करना है। तो चलिए आज का क्लास आज हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को दोबारा मिस ना करना, अगर आप चाहते हैं कि और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कुछ नहीं देना पड़ता, 1 रुपया नहीं लगता है। आपको सिर्फ जस्ट सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है। नीचे आपको दिख जाएगा सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का, आप उस पर क्लिक करिए और वहाँ पर सिर्फ आपको एक बार अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना होगा बस। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास ईमेल आईडी होगा। अगर नहीं है तो मैं ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, आप उसे देख के सीख सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम जानते हैं कि एमएस पेंट में सारे टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें एमएस पेंट ओपन करना है। उसके लिए मैं विंडो बटन दबाता हूँ और यहाँ पर सर्च बॉक्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है एमएस पेंट, या फिर आप डायरेक्ट पेंट भी लिखेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल ये विंडोज 10 है, इसीलिए इस तरीके का इसमें इंटरफेस दिख रहा है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आपको सिर्फ सर्च बॉक्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट विंडो दबाकर, विंडो बटन प्रेस करके आप डायरेक्ट यहाँ पर पेंट लिखिए, आपका एमएस पेंट का देखिए यहाँ पर आइकन दिखने लग गया। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक इंटर प्रेस और करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेंट और एक इंटर दबाता हूँ, हमारा एमएस पेंट का इंटरफेस आ गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे इंटरफेस को क्या कहते हैं, आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। फिलहाल मैं आपको एक बार असली बता दूं, ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये हमारा फाइल ऑफिस बटन है, ये हमारा होम टैब है, ये हमारा व्यू टैब है। इसके अलावा हमें एक टैब और मिलेगा जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में देख जानेंगे। उसके बाद ये जो टोटल पोर्शन दिख रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका रिबन है। और होम टैब में आपको अलग तरीके का रिबन दिखेगा, व्यू टैब में अलग तरीके का रिबन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रिबन आपको ना दिखे तो उसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट ये खाली पोर्शन पे या फिर कहीं भी आप किसी भी टैब पे राइट क्लिक करिए और मिनिमाइज द रिबन, आप इस पर क्लिक कर दिए तो ये पोर्शन आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो लेकिन हमें उसे गायब नहीं रखना है, हमें इसे उसका यूज़ करना है हर पल हर में हमेशा, इसलिए हम वापस से राइट क्लिक करके इसे मिनिमाइज द रिबन को अनचेक कर देते हैं। चलिए इंटरफेस के बारे में तो हमने सीख लिया, फिलहाल हम सारे टूल्स के बारे में जानते हैं। और ये जो आपको मेन जो है वो होम टैब के सारे टूल्स को सीखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें बहुत सारे पार्ट है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल पोर्शन है ये टूल्स का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल शेप का पोर्शन है, इसे हम कलर पैलेट बोलते हैं। आप यहाँ से अपने कलर
कलर चेक कर सकते हैं। और ये इमेज के साइज़ वगैरह के लिए आपको अगर सेलेक्ट करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसे रोटेट करना है, तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सारे टूल्स का एक एक करके यूज़ सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, MS पेंट का नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत अच्छा नोट्स है, प्रैक्टिकल नोट्स है, आप उसे लिखिए और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल तो हम बहुत इजी चीज़ पढ़ रहे हैं MS पेंट, जब हम वर्ड और एक्सेल का क्लास अटेंड करेंगे तो हो सकता है मे बी आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी है, विदाउट नोट्स आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो एकदम प्रैक्टिकल नोट्स होगा, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस नोट्स को जरूर डाउनलोड करिए। मैं हर क्लास का नोट्स डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप उस नोट्स को डाउनलोड करिए, उसे लिखिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज हम जानते हैं MS पेंट में किस तरीके से टूल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो काम है MS पेंट में, आपको देखना है कि आपका जो पेपर का साइज़ है वो क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100% मेरा दिख रहा है पेपर का साइज़, लेकिन अगर हम 100% में अगर इस तरीके से काम करेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो छोटा सा जो रूलर दिख रहा है, हम इसे पकड़ के इधर राइट साइड घसकाते हैं और इसे भी पकड़ के हम इसे नीचे घसकाते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा बॉक्स डॉट हमें दिख रहा है, और जब हमारा ये माउस जब यहाँ पर जाता है तो आप देखेंगे वहाँ पर एरो का निशान बन गया, यानी कि अब हम इसे पकड़ के अपने पेज के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमें इस साइज में भी काम नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा रहता है उस पर भी काम नहीं करना है, तो हमें कौन से साइज में काम करना है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन, यानी कि जितना बड़ा मेरा स्क्रीन है उस साइज का हम इसे रख देंगे इस तरीके से, ताकि ये पोर्शन मुझे बाहर ना दिखाई दे। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये ऊपर नीचे करने वाला, ये पोर्शन हमें नहीं दिखना चाहिए ताकि हम आसानी से अपने इमेज को ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा ही रखता हूँ। फिलहाल ये परफेक्ट हो गया, अब हम जो भी काम करेंगे एकदम परफेक्ट दिखेगा, और उसे हमें किस तरीके से सेव करना है मैं उसे लास्ट में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, पेज हमने सेट कर लिया, सारा टूल्स का यूज़ हम जानेंगे। सबसे पहला जो टूल हमारे सामने आ रहा है वो है सिलेक्शन टूल का। तो सिलेक्शन टूल का यूज़ क्यों होता है, चलिए एक एक करके सारे टूल्स का यूज़ सीखते हैं, बहुत मज़ा आएगा आई एम श्योर, आप इंजॉय करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम आता है। फिलहाल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे, हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से देखिए शेप है तरह तरह का, हम यहाँ से कोई भी एक शेप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप सर्कल कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ, अगर आपको गोल करना है तो जाहिर सी बात है आपको इसे ऊपर ले आना होगा, तो आपको मज़ा आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको पीछे जाना है, अगर एक गलती से अगर आपने कुछ और गलती कर दी आपको पीछे जाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। जी हाँ, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, ये शॉर्टकट की है, ये आपका बहुत काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो MS वर्ड का वीडियो होगा, जिसमें हम आपको MS वर्ड का इंट्रोडक्शन और टोटल शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हम आज 2-3 शॉर्टकट की के बारे में ही पढ़ेंगे, सारे शॉर्टकट की का क्लास आपको शॉर्टकट की वाले वीडियोज़ में मिलेगा। तो हम कंट्रोल जेड से क्या कर सकते हैं, एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, इसे अंडू बोलते हैं, कंट्रोल वाई से हम आगे आ सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ तो आगे आ रहा हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो पीछे जाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन टूल का यूज़ हम कर सकते हैं, अब हमें इसे अगर सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। आप ध्यान देंगे जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो आपको उसे पूरा सेलेक्ट करना है। जी हाँ, पूरा सेलेक्ट करने के लिए एक छोटे सा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको उसके बाहर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए कि ऊपर का पोर्शन तो आ रहा है सेलेक्ट, अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ माउस को तो आधा ऊपर वाला सेलेक्ट हो रहा है, नीचे ले जाता हूँ तो आधा ऊपर वाला छूट जा रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, एकदम टॉप पर रखूँगा ताकि ऊपर का भी ये पोर्शन सेलेक्ट हो और नीचे का भी पोर्शन सेलेक्ट हो। मैं सिंपल वहाँ पर क्लिक करके उसे माउस को ड्रैग कर दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं नीचे खींचा और उसके बाद सिंपल इस तरीके से टोटल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकता हूँ, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसी का सेम टू सेम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाकर इसे यहाँ से उठा लेंगे। आप देखिए मैंने कंट्रोल दबाया, जैसे ही मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ तो एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनकर तैयार होगी। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कॉपी बनाने का। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है दोस्तों,
जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट करते हैं, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी किनारे किनारे आपको ये आउटलाइन दिख रही होगी, है ना? तो ये आउटलाइन आपको तब तक दिखेगी जब तक आप कहीं बाहर क्लिक ना करें, और ये आउटलाइन दिखने का मतलब है आप इसे अभी भी रिसाइज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैं इसे अभी भी छोटा पतला चौड़ा कहीं से भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आउटलाइन मुझे दिख रही है। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये आउटलाइन मुझे दिखना बंद हो गई, यानी कि अब ये इमेज सेव हो गया, अब हम इसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे सामने एक नई इमेज ड्रॉ हो रही है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब हमें अगर इसे छोटा करना है तो सिलेक्शन टूल का मदद से हम इसे छोटा कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके इमेज की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। देख लीजिए आप, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं अगर इसे यहाँ पर कॉर्नर में पकड़ के अगर इसे छोटा करता हूँ तो इसकी जो परफेक्शन है आप देख सकते हैं। मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए मजा नहीं आ रहा है ना? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब तक आपका इमेज पूरी तरह से फिट ना हो जाए, सही ना हो जाए, तब तक आपको बाहर क्लिक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके अंदर एक और सर्कल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्कल लूंगा और मैं इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये सर्कल बीचों बीच नहीं है, तो मैं इसे पकड़ कर बीचों बीच ले आता हूँ। अब जब तक मैं फाइनल ना हो जाऊं कि हाँ ये रेडी है पूरी तरह से, देखिए अब ये परफेक्ट है। अभी भी आपको लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा और सेट करिए अपने हिसाब से। चलिए अब ये परफेक्ट है, तो अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो अब मेरा ये जो शेप हो गया वो कंफर्म परफेक्ट हो गया। अब फिलहाल मुझे ये किनारे जो ये सब जो है उसे डिलीट करना है, तो फिर से मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इतना दूर सेलेक्ट करके डिलीट बटन में कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और ये डिलीट हो गई। क्लियर है? तो फिलहाल शॉर्टकट की में और थोड़ा सा समझ लीजिए शॉर्टकट की का यूज, जानते हैं शॉर्टकट की का यूज तो आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज को मूव करने का काम आता है। किसी चीज को कट कर सकते हैं हम शॉर्टकट की के हेल्प से, जैसे मुझे अगर इसे यहाँ से इतना दूर अगर कट करना हो तो इतना दूर सेलेक्ट करके मैं सिंपल यहाँ पर डिलीट बटन दबा के इसे कट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा एक लोगो टाइप से बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर मुझे एक और सर्कल बनाना है, तो इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया इस तरीके से, ये लीजिए परफेक्ट है, क्लियर है। अब इसके अंदर भी मुझे कट मारना है तो मैं यहाँ से इसमें भी कट मार सकता हूँ इस तरीके से। अगर मुझे सबको बराबर बराबर कटिंग करना है तो सबको सिलेक्ट करके एक बार फिर से कटिंग कर दिया, हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी इमेज को मूव कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड जो हम लोग के पास टूल आ रहा है वो है आ रहा है हम लोग का पेंसिल टूल। आप देख सकते हैं मैंने जैसे इस टूल के ऊपर मेरा माउस जा रहा है तो उसका नाम दिख रहा है, ये पेंसिल टूल है, ये फिल विथ कलर है, ये हमारा टेक्स्ट टूल है, ये हमारा इरेजर है, ये हमारा कलर पिकर है, ये हमारा मैग्नीफायर है, ये हमारा ब्रश है। और हमें एक टूल के बारे में और सीखना है, वो यहाँ पर ये दिख रहा है आपका कर्व, है ना? ये कर्व टूल का यूज बहुत ज्यादा यूज होगा। तो फिलहाल हमें इतना ही टूल के बारे में जानना है एमएस पेंट में, इसमें आप सब चीज का यूज कर सकते हैं अच्छे से। फिलहाल मैं आपको सारा टूल का यूज बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक फुल इमेज तैयार करेंगे, और किस तरीके से आप एक इमेज को तैयार कर सकते हैं, घर वगैरह कुछ भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। फिलहाल चलिए पेंसिल टूल का यूज करते हैं। पेंसिल टूल का यूज फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? पेंसिल के मदद से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मुझे अगर अपना नाम भी अगर लिखना है तो मैं पेंसिल का यूज नहीं करूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि टेक्स्ट टूल हमारे पास है, कुछ भी अगर लिखना हो तो हम टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। पेंसिल का मदद आपको माउस में हाथ बैठाने के लिए परफेक्ट है। अगर आप एक नए हैं, अगर आप कंप्यूटर नया चला रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल लीजिए और सीधी सीधी लकीरें खींचिए, है ना? इससे क्या होगा, आपका माउस में हाथ बैठ जाएगा। देखिए मेरा हाथ बहुत अच्छा से बैठा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है? हो सकता है कि आप सीधी लकीर खींचिए तो ये आपका ऐसे ऐसे भागे, है ना? तो इससे क्या होगा, आपका माउस में अच्छे से हाथ बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो पेंसिल का मदद से हम इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट दबाता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और डिलीट बटन से डिलीट। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे सामने पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल का मदद से हम एक सर्कल भी बना सकते हैं, लेकिन सर्कल गोल होगा नहीं कभी। आगे बढ़ते हैं, एक और सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं गोल। देखिए आप यहाँ से, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ गोल बनाने का, लेकिन गोल नहीं बन रहा है ना? छूट गया थोड़ा सा यहाँ पर, ये भी नहीं बना। चलिए सर्कल तो है ही हमारे पास, शेप है ना, हम उसका यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक नया टूल आ रहा है, वो उसका नाम है फिल विद कलर। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कलर भरना है तो हम
फिल विथ कलर का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट है, हम इन तीनों ऑब्जेक्ट में कलर भरते हैं एक एक करके। मुझे इसके अंदर रेड कलर भरना है, तो मैं यहाँ से रेड कलर चूज करूंगा और सिंपल इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए चारों तरफ रेड कलर भरा गया है ना। इसके अंदर मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं ग्रीन कलर चूज किया और इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैं जैसे ही ग्रीन कलर इस पर क्लिक किया तो ये पूरे में ग्रीन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास यहाँ पर थोड़ा सा जगह छूटा हुआ था जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा था, मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, आप उसे देखिएगा, ठीक है? देखिए आप यहाँ पर, देखिए आपको ये दिख रही है मैग्नीफायर के नीचे थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये वाला चीज थोड़ा सा छूटा हुआ है। मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए आप, देखिए ये जो चीज है यहाँ पर है ना, थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसके वजह से कलर हम लोग का जो है वो लीक कर गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टूल की ओर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाहिर सी बात है इस बॉक्स को बंद करना होगा। उसके लिए मैं फिर से पेंसिल लूंगा और यहाँ पर पेंसिल से इस तरीके से क्लिक कर दिया, मेरा ये बॉक्स बंद हो गया। मैं अगर इस पर कलर डालता हूँ तो ये सिर्फ इतना ही दूर में होगा। इसमें देखिए यहाँ पर जगह छोटा हुआ है, तो मैं जैसे ही इस पर कोई कलर भरूंगा तो ये फुल हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कलर कुछ भी लीक ना हो। फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने नया जो टूल है वो है टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल के मदद से हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम जैसे ही मैंने टेक्स्ट टूल यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए आप ध्यान देंगे जैसे ही टेक्स्ट टूल लेके अगर यहाँ पे क्लिक करते तो हमारे सामने एक नया टैब आ गया जिसका नाम है टेक्स्ट टैब, है ना। अब इस टेक्स्ट टैब के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपका फॉन्ट का डिजाइन है कि आपका जो फॉन्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए कि नहीं, वो इटैलिक होना चाहिए कि नहीं, उसमें अंडरलाइन होना चाहिए कि नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप उसे देखेंगे, अच्छे से यूज करेंगे। फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं अपना, तो टेक्स्ट टूल लिए। देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है इसका मतलब आपका ये टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है। हमेशा ये वाला चीज आपका दो चीज पे सिलेक्ट होगा, या तो आप सिलेक्शन टूल लिए हैं तो एक सिलेक्शन टूल पे ये डिजाइन दिखेगा आपको, ठीक है, ब्लू कलर का, और आपको ये दूसरा दिखेगा आपका कलर बॉक्स पे, है ना। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे दिखेगा, दूसरा कलर बॉक्स है। हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो एक इस पे दिखेगा, दूसरा कलर बॉक्स पे। तो आप ध्यान देंगे कि अभी आपका कौन सा टूल सेलेक्ट है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर लिखना है चंदन कुमार गुप्ता। देखिए चंदन कुमार गुप्ता मैंने लिख तो दिया, लेकिन गुप्ता नीचे आ गया। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर जगह कम है। अगर मैं इसे खींच के थोड़ा सा लंबा करता हूँ तो एक लाइन में आ जाता है। मुझे अगर इसे बड़ा करना है तो ध्यान रखेंगे, मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दिया था कि जब तक आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह से फाइनल ना हो आप बाहर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप जैसे ही बाहर क्लिक कर देंगे तो हम इस पर कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान रखिएगा उस चीज का, ठीक है। और ये गलती होगी आपसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे ये गलती नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इसकी साइज बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ से इसकी साइज मैंने बढ़ा दिया, चंद्र कुमार गुप्ता। इसकी डिजाइन चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इसकी डिजाइनिंग भी चेंज कर सकता हूँ। चंद्र कुमार गुप्ता मुझे एरियल ब्लैक चाहिए और इसकी जो फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक हो गया। मुझे रेड चाहिए तो इसे रेड कर दिया, ये रेड हो गया। और इसे बड़ा करना है तो इसे और आप सेलेक्ट करिए और बड़ा करिए, ठीक है। आपको जितना बड़ा रखना है आप उतना बड़ा रखिए, लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान देंगे, आपको बाहर क्लिक नहीं करना है जब तक फाइनल ना हो जाए। मुझे अगर इसे घसकाना है तो क्या करेंगे, ये जो डंटी दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे ये जो कर्सर है उसका डिजाइन चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चार तरह का एरो बन गया है ना। तो जब आपको ये साइन दिखे तभी आपको इसे क्या करना है, पकड़ के उठाना है। तो आप इसे कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे मैंने बाहर क्लिक किया अब ये सेव हो गया। अब मुझे अगर इसे चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर जिसका नाम है इरेजर। तो हम इरेजर के बारे में मैं आपको बता दूं, इरेजर बहुत अच्छा टूल है किसी भी चीज़ छोटा बारीक काम को करने का, या फिर किसी भी छोटा छोटा चीज़ को बारीकी काम को अगर आपको डिलीट करना है, बारीकी काम में थोड़ा सा परफेक्शन लाना है तो इरेजर की मदद से हम किसी भी चीज़ को मिटा सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मुझे इसे मिटाना हो तो मैं यहाँ से इसे मिटा सकता हूँ आराम से। मुझे अगर इरेजर की साइज़ बड़ा करना अगर है इरेजर का साइज़, तो
उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस दबाऊंगा। जी हाँ, कंट्रोल प्लस से आप देखिए इरेजर की साइज बड़ी हो रही है, ये फुल साइज बड़ा हो गया, मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं मिटा सकता हूँ। मैं यहाँ से एक बार में इसे मिटा दिया, छोटा करना है साइज। मैं पहले तो कंट्रोल जेड दबाता हूँ एक बार और, हाँ अब कंट्रोल माइनस अगर करता हूँ तो इसकी साइज छोटी हो रही है ना। तो आप आराम से अपने हिसाब से काम करिए, जितना आपको साइज रखना है छोटा बड़ा, अदरवाइज सेलेक्ट करता हूँ डिलीट। क्लियर है? हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की ओर, जिसका नाम है पिक कलर। तो कलर पिकर का यूज आप कब करेंगे? जब आपको कोई एक स्पेसिफिक कलर को अगर पिक करना हो, यानी कि अगर आप किसी इमेज में अगर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इमेज है उस पर अगर आप एडिट कर रहे हैं और आपको सेम टू सेम वही कलर चाहिए जो उस इमेज में लिखी हुई है, तो आप कलर पिकर का यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फिलहाल मैं आपको कुछ एडवांस चीज समझा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए हमारे पास रेड कलर में एक ये कलर है, मैं इसकी कलर को क्या करता हूँ, यहाँ पर एडिट कलर पे क्लिक करके मैं इसके कलर को थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, ताकि ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, है ना। अब हमारे पास वो रेड कलर नहीं दिख रहा, जो रेड कलर जो पहले वाला था वो कलर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है वो कलर। अब देखिए यहाँ पर ये कलर और ये कलर दोनों अलग अलग कलर है ना। ये जो कलर है पहले वाला कलर है हमारा, और ये जो कलर है जो मैंने डार्क किया वो कलर है। अब मुझे यहाँ पर कुछ बनाना है, तो इस तरह से मैं एक डिजाइन लेता हूँ, मैं इसे ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पर कलर भरना है, कौन सा कलर भरना है? ये वाला कलर भरना है, तो मैं ये कलर डाल देता हूँ। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर एक नया एक और सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे कौन सा कलर चाहिए? यही कलर चाहिए। अब बाय द वे ये कलर हमारे टेक्स्ट हमारे कलर बॉक्स में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कलर पिकर लेंगे, ठीक है। अभी ये सिलेक्टेड है, चूंकि बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे जहाँ से आपको कलर पिक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यही सेम कलर आप देखिए यहाँ पर उठ के आ गया है ना। अब आप कहीं पर भी इस कलर को फिल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये आउटलाइन भी हटाना है तो आप आउटलाइन पर भी क्लिक करिए, वो भी रेड हो गया। आउटलाइन को नहीं हटाना है तो नहीं हटाएंगे। क्लियर? तो आई होप कलर पिकर का यूज़ भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आज हम सिर्फ टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अच्छा सा इमेज ड्रॉ करेंगे। कोशिश करूंगा कि आज आपके सामने एक अच्छा सा इमेज भी ड्रॉ कर दूं, अगर हमारे पास समय बच गया, चूंकि समय बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने यहाँ पर मैग्नीफायर है, तो मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं। मैग्नीफायर की मदद से हम किसी भी चीज़ में को जूम कर सकते हैं, अगर हमको उस पर कुछ बारीक काम करना है तो। जैसे फॉर सपोज दैट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ इस तरीके से। अब मुझे इसके अंदर कुछ काम करना है, बारीक काम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैग्नीफायर लूँगा, मैं इसे जूम करूँगा। मैग्नीफायर से कैसे आप जूम कर रहे हैं? मैग्नीफायर लेके आपको ओके बटन दबाना है, ओके बटन से जूम होगा, राइट क्लिक से जूम कम होगा, जूम आउट होगा, जूम इन जूम आउट। क्लियर है? तो मैं अब यहाँ पर ब्रश लेता हूँ, इसका साइज छोटा करता हूँ, और यहाँ पर मुझे अगर कोई डिज़ाइन बनाना है अगर, तो यहाँ से हम कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं मैग्नीफायर के मदद से। देखिए इस तरीके से कुछ भी एक अच्छा डिज़ाइन, सपोज मुझे यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना सकता हूँ। अगर गलती हो रही है तो कंट्रोल जेड दबाइए। देखिए मेरी ये डिज़ाइन, अब ये छोटी सी डंटी है, छोटी सी लाइन है, इसमें मैं और क्या डिज़ाइन बनाऊँ, है ना। तो ये डिज़ाइन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, तो ठीक है, हमारे सामने एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे सामने ब्रश आ रहा है, तो ब्रश में कई सारे ब्रश आपको मिलेंगे, आपको सारे ब्रश का यूज़ करना है कि कौन से ब्रश से किस तरीके का आपका डिज़ाइन ड्रॉ होगा। आप देखिए यहाँ पर आपको स्प्रे भी मिल रहा है ना, आप स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको घास वगैरह बनाना है तो आप स्प्रे का मदद से कहीं पर भी बैकग्राउंड घास वगैरह बना सकते हैं, और ही बहुत सारे चीज़ें। आप छोटा छोटा इस तरीके का टूल्स ब्रश है, आप इन सारे ब्रशेस का यूज़ करिए अगर आपको ज़रूरत है तो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए। हमारे सामने एक नया जो और बॉक्स दिख रहा है, नेक्स्ट जो टूल दिख रहा है वो है कर्व टूल। तो कर्व का यूज़ हम सीख लेते हैं आज। तो कर्व का यूज़ आप 3 times करेंगे ना। फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ लकीर खींच सकते हैं दाएँ बाएँ कहीं पर भी, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लकीर खींचता हूँ। अब मुझे इसे अगर थोड़ा सा टेढ़ा करना है, है ना, आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा टेढ़ा, मुझे इसे रास्ता बनाना है, तो क्या करूँगा, मैं इसे सीधे ऊपर खींचूँगा एक बार और एक बार नीचे खींचूँगा, तो इस तरीके से ये बन गया।
तो मुझे अगर रास्ता बनाना है तो इस तरीके से मैं रास्ता बना सकता हूँ। आप ऐसा रास्ता देखे होंगे, मुझे इसे डबल करना है तो सेलेक्ट किया कंट्रोल दबा के इस तरीके से, तो आप यहाँ पर रास्ता बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का, अगर आपको कर्व का यूज़ करना है, कर्व यानी कि आप समझ गए ना किस तरीके से यूज कर सकते हैं कर्व का, आपको अगर इस तरीके का कोई रास्ता बनाना है तो आप देखिए इस तरीके बहुत इजी वे में आप रास्ता ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की ओर। टूल्स तो हमारे सारे खत्म हो गए है ना, तो सारे खत्म हो गए। अब कोई अच्छा सा इमेज एक ड्रॉ हो जाए तो उसकी वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए किस तरीके से मैं इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ। फिलहाल आप सारे टूल्स का यूज सीख गए हैं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ घर में प्रैक्टिस करना है, एक एक बार सारे टूल्स का यूज करना है और कोई एक अच्छा सा घर, कोई अच्छा सा एक होम का इमेज बनाना है, कोई घर ड्रॉ करना है आपको एमएस पेंट के मदद से, है ना। तो उसके बाद देखेंगे किस तरीके से आप क्या किए हैं, और मैं जो आपको घर ड्रॉ करके बताऊंगा किस तरीके से घर ड्रॉ करना है इजी वे में, तो आप उसे कंपेयर करेंगे अच्छे से। तो फिलहाल एमएस पेंट के में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हाँ मैं इसे सेव करना तो बताएं नहीं, आप जो भी चीज़ काम करेंगे उसे आपको सेव करना है, तो उसके लिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के लिए मुझे कुछ बनाना तो पड़ेगा है ना। तो चलिए कुछ बना लेते हैं, एक घर का शेप बना लेते हैं इजी वे में, ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, देखिए ब्लैक कलर लाइन लिया मैं यहां से, एक ठीक है यहां से स्क्वायर, इस तरीके से एक घर का इमेज मैं बना सकता हूँ। आप देखिए ये टोटल घर जैसा ही लग रहा है ना, घर का इमेज इसी तरीके से रहता है। तो मैं यहाँ से ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर गेट बनाना है तो इस गेट के लिए किस तरीके से, वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होगा दोस्तों, है ना। जैसे कि अब मैंने ये बना दिया, अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा निकल रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। तो आपको इसे भी थोड़ा सा ठीक करना होगा, इसके लिए आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। आप इरेजर लीजिए, थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से काम होगा। देखिए अगर जूम करके काम नहीं करेंगे तो यही गलती होगा, तो मैं यहाँ से मैग्नीफायर लेता हूँ, जूम करता हूँ, उसके बाद इरेजर से इसे से मिटा देता हूँ। क्लियर है? ऊपर भी थोड़ा सा देखें यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं इसे जूम कम करता हूँ और इससे यहाँ पर ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रास्ता बनाते हैं, यहाँ पर एक इस तरीके से एक कर्व लेते हैं और कर्व की मदद से एक रास्ता बना दिए दोनों में। चलिए इस तरीके से मैं घर बना सकता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, घर बनाना है अच्छे से, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक खिड़की बनानी है, तो इस खिड़की के लिए भी इस तरीके से खिड़की बना सकते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ सेलेक्ट टूल का यूज करके इसे डुप्लीकेट बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा घर बनाइए, उसे सेव करिए। सेव करने के लिए क्या करना है, आपको ऑफिस बटन पे जाना है, यहाँ पर ऑफिस बटन, सारा कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ऑफिस बटन में जाएंगे, सेव में जाएंगे, सेव में जाने के बाद आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, यही बॉक्स खुलेगा जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। उसके बाद सेव करते समय आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, सबसे पहला चीज आप जो आपका जो लोकेशन है, और दूसरा चीज आपका फाइल का नाम। तो फाइल का नाम यहाँ पर देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ माई होम इमेज, ठीक है। और मैंने इंटर दबा दिया, अब ये सेव हो गया। अब ये सेव कहाँ हुआ हम तो उसे देख नहीं पाए, तो उसके लिए हम क्या गलती हो गया है फिलहाल के लिए, कहाँ सेव किए हैं मुझे तो पता है कि वो कहाँ सेव है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप इसके लोकेशन को अगर नहीं देखेंगे तो। बहुत इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लोकेशन देखना। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेव एस करता हूँ, सेव एस से क्या होगा वापस से मेरा ये बॉक्स खुलेगा। आप देखिए ये चीज़ कहाँ सेव हुआ था, पिक्चर्स फोल्डर्स के अंदर हुआ था, है ना। तो हमारा ये जो इमेज सेव हो वो कहाँ हो, वो माई कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव
देखिए यहाँ पर डी ड्राइव दिख रहा है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। डी ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पर QNF है, मैं इसके अंदर सेव करना चाहता हूँ। या डी ड्राइव में मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ अपने नाम से, चंदन, और इसके अंदर मुझे सेव करना है। तो चंदन को ओपन करके एक और फोल्डर यहाँ पर बनाता हूँ। फोल्डर क्रिएशन का भी क्लास मैं पहले बना चुका हूँ, तो थोड़ा सा आप उसे देख लीजिए जरूर से। मैं यहाँ पर लिखाऊंगा MS पेंट, है ना, चूँकि MS पेंट का क्लास है, तो MS पेंट के अंदर मैं सेव करूँगा माई होम इमेज के नाम से। ठीक है, अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो सेव हुआ मेरा इमेज कहाँ सेव हुआ, माई कंप्यूटर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, QNF के अंदर, चंदन के अंदर, देखिए MS पेंट के अंदर, यहाँ पर माई होम इमेज। इस पर कलर भरना बाकी रह गया है ना, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आप अपने अच्छे से कलर, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको कलर भी भरना है, अच्छे से रेडी करना है आपको अपनी इमेज। तो फिलहाल MS पेंट में इतना ही। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान देना होगा कि कहीं भी आप अगर फंस रहे हो तो नोट्स तो जरूर देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल वीडियो में नए हैं, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ को देख सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन मिलेगा, आप उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में और ईमेल में आ जाए। तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।